नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 12th क्लास प्री बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है, जो कि इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। मॉर्निंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उसको मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। और आप लोग अगर मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं, क्वेश्चन पेपर जो है आपका, मतलब जो क्वेश्चन है वो 40 मार्क्स का ये एग्जाम था आपका और 90 मिनट आपको समय दिया गया था। 3 खंड में आपका एक क्वेश्चन पेपर बना था। खंड ए की बात करें 24 क्वेश्चन थे, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपको हल करना था। बी में भी खंड बी में भी 24 क्वेश्चन थे, जिसमें से 20 का करना था आंसर आपको। और सी की बात करें, जिसमें 12 क्वेश्चन थे और 10 का आंसर देना था। और हर एक क्वेश्चन का जो आंसर, मतलब जो आपको मार्क्स मिलने वाला है, वो 0.8 मार्क्स आपको एक क्वेश्चन का आपको मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है रोशन सा स्टडी पॉइंट, इस पे मैं आप लोगों को हिस्ट्री और पोल साइंस के जितने भी चैप्टर है उसको मैं कवर करवाऊंगा। इसके अलावा फर्स्ट टर्म के जितने भी चैप्टर है, हिस्ट्री के जो चैप्टर है उसके एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ मैं। और इसके अलावा सेकेंड टर्म से मैं क्या करूँगा, जितने भी चैप्टर्स है हिस्ट्री पोल साइंस के उसको भी मैं कवर करवाना शुरू कर दूंगा। तो सेकेंड टर्म के जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा आप लोगों का इस चैनल पे। तो चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब बारी बारी से हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को मैं एक बार रीड करूंगा और उसका जो सही उत्तर होगा उस पर मैं ब्लैक मार्कर से निशान लगा दूंगा। यहाँ पे क्या है कि कई, मतलब जो जिस बच्चे का मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, उसने क्या किया, पेंसिल से निशान भी लगा रखा है, लेकिन जहाँ पे मैं ब्लैक मार्कर से निशान लगाऊंगा आपको वही उसी ऑप्शन को सही मानना है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक दिया गया है, क्यूबा में परमाणु मिसाइल कब तैनात की गई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1962 आपको लगाना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है, 1914 से 18 के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। तो इसमें आप लोगों को ऑप्शन सी लगाना था, प्रथम विश्व युद्ध। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीन दिया गया था, हिरोशिमा पर गिराए गए बम का गुप्त नाम क्या था। तो इसका ऑप्शन बी था, लिटिल बॉय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चार है, शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के बीच में लड़ा गया था। तो ये जो ऑप्शन सी आपका लगाना था, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में हुआ था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर पांच देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच है, 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया देश का नाम क्या था। तो सोवियत संघ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर छह देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छह है, रूस क्रांति कब हुई थी। जो रूसी क्रांति वो कब हुई थी, तो 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, आपको ऑप्शन ये लगाना था यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सात देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सात है, सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले नेता कौन था। तो नेता का नाम पूछा है, तो आपको यहाँ पे मिखाइल गोरबाचेव का नाम आपको लगाना था, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाता। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आठ दिया गया है, रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की। तो आपको यहाँ पे जून 1990 आपको लगाना था, सही उत्तर था ये। उसके बाद क्वेश्चन है नौ, अरब स्प्रिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इसका सही उत्तर आपको सी लगाना था, ट्यूनेशिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। ऑप्शन बी आपको लगाना था, एंटोनियो गुटेरेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंटार्कटिक चार्ट 1942 पर डैश के राष्ट्रपति के बीच हस्ताक्षर किया गया था। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन ए लगाना था, यूएस और ब्रिटिश, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत कब संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। तो अक्टूबर 1945 आपको लगाना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, उन्हें यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। तो इसको 1946 आपको लगाना था दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वतंत्रता आंदोलन में कौन से नेता ने, जिसको नेता थे जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से हम किसको जानते हैं, खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ये आपको लगाना था। उसके बाद भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार पटेल थे, ये सही उत्तर था यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विभाजन के पश्चात किस रियासत ने भारत एवं पाकिस्तान दोनों में शामिल होने से मना कर दिया। तो हैदराबाद आपको लगाना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य पुनर्गठन कानून कब लागू किया गया। 1956 में लागू किया गया, ऑप्शन ए लगाना था यहाँ पे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सा आयोग बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन डी, नीति आयोग आपको लगाना था।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वामपंथी कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के तीन बड़े उद्देश्यों में से निम्न में से कौन सा असत्य है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना। ठीक है, ये आपको सही उत्तर लगाना है यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी? तो बांडुंग में पड़ी थी, आपको यहाँ पे बांडुंग लगाना था, ऑप्शन ए लगाना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, धार्मिक नेता दलाई लामा का संबंध निम्न में से किस देश से था? तो इनका जो संबंध था वो तिब्बत से था, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो 1974 में हुआ था, है ना, परमाणु परीक्षण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, कोरिया संकट काल पहचानिए? तो कोरिया संकट जो है 1950 से 53 के बीच में हुआ था, ऑप्शन ए लगाना था यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा काल साम्यवादी चीन का सोवियत संघ से अनबन का काल था? तो आपको यहाँ पे 1960 का दशक बताना था आपको। ठीक है, 1960 का दशक जो है वो चीन और सोवियत संघ के बीच की अनबन का समय काल माना जाता है। उसके बाद 27वां क्वेश्चन है, जर्मनी की दीवार किस वर्ष खड़ी की गई थी? तो जर्मनी की जो दीवार थी, यानी कि इसको हम बर्लिन की दीवार की बात कर रहे हैं, तो 1961 में खड़ी की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, वो है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ? तो इसका जो सही उत्तर होगा 1961 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक डैश थे? तो इसको आपका जो सही उत्तर लगाना है व्लादिमीर लेनिन, आपको यहाँ पे सही उत्तर लगाना था दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, 21वीं सदी ने डैश देशों में लोकतंत्र और लोकतांत्रिकरण के लिए नव विकास का उदय देखा? तो इसमें ऑप्शन सी आपको दक्षिण एशिया लगाना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखते, क्वेश्चन नंबर 31 है, अरब स्प्रिंग की शुरुआत कब हुई? तो इसमें आपको 2010 का ऑप्शन लगाना था, ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा निम्न में से किसे दी गई? तो प्रथम खारी युद्ध को दी गई थी, वो आपको सही उत्तर हो जाता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर आपको जिनेवा लगाना था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 34 है, जो अभिकथन है और कारण वाला क्वेश्चन है, इसका आपको ऑप्शन ए सही लगाना था दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 का आपको ऑप्शन ए लगाना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत की केंद्र सरकार ने डैश में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया? तो इसका ऑप्शन बी सही होता, 1956 में बनाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, ये भी कथन और कारण वाला है, जिसमें आपको ऑप्शन ए लगाना था दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 जो है, क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आपको यहाँ पे लगाना था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लगाना था इसमें आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में आपको, इसमें भी आपको ऑप्शन ए ही सिलेक्ट करना था। ठीक है, उसके क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 41 है, धुरी राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो इटली, जापान और जर्मन शामिल थे, इसमें यूएसएसआर जो दिया हुआ है ये आपको सिलेक्ट करना था, ये धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है, सोवियत संघ के किस राष्ट्रपति ने प्रेसरोइका और ग्लासनोस्ट शब्द का इस्तेमाल किया? तो इसका जो सही उत्तर होगा गोरबाचेव आप लगाओगे, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाता। उसके बाद है पूंजीवाद, क्वेश्चन नंबर 43 है, पूंजीवाद और समाजवाद के बीच विभाजन का एक उत्तम उदाहरण निम्न में से किसे माना जाता है? तो बर्लिन की दीवार, ऑप्शन बी यहाँ पे आपको लगाना था। उसके बाद फिर से कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, क्वेश्चन नंबर 44 का जो आपको सही उत्तर लगाना था ऑप्शन ए लगाना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 भी कथन और कारण वाला है और इसमें भी आपको ऑप्शन ए सेलेक्ट करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 जो है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ऑप्शन डी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, आज़ादी के बाद कुछ नेता अमेरिका के साथ विदेशी संबंध बनाए रखने के पक्ष में थे, इन नेताओं में से प्रमुख थे? तो इसमें आपको डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम लेना है, ऑप्शन बी आपको बताना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद चीन यात्रा पर जाने वाले विदेशी मंत्री का नाम बताइए? तो इसमें आपको अटल बिहारी वाजपेयी का नाम बताना था। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, जो कि कार्टून पर आधारित है, और इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आपको लगाना था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 49 था, क्वेश्चन नंबर 49 के जगह पे जो दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं उनके लिए जो क्वेश्चन दिया गया है वो है, भारत पाकिस्तान बंटवारे में सबसे अधिक प्रभावित दो प्रांत कौन से थे? तो इसमें पंजाब और बंगाल का आपको नाम बताने, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। उस क्वेश्चन नंबर जो 50 है वो है, कार्टून में दिखाई दे रहे व्यक्ति के दाएं हाथ में किस संस्था का प्रतीक है? तो इसमें आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का ऑप्शन सही लगाना था, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाता। उसके बाद 50 के जगह पे जो दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं उनके लिए जो क्वेश्चन दिया गया वो है, आज़ादी के समय हिंदुस्तान के सामने विकास के कितने मॉडल थे? तो विकास के कुल मिला के हमारे पास कितने मॉडल थे? दो मॉडल थे, समाजवादी और पूंजीवादी, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी चित्र पर आधारित है, क्वेश्चन नंबर 51 है, उपरोक्त चित्र में दाई ओर दिखाई दे रहे भारतीय नेता को पहचानिए। तो दाई ओर देखो यार, इस चित्र में तो एक ही भारतीय नेता दिख रहे हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाता। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो गद्यांश पर आधारित है, यानी कि आपके पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चन है, और पैराग्राफ को आप पढ़ लेना, मैं सीधा आंसर आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है 52 क्वेश्चन है, दूसरा विश्व युद्ध किन राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया था? तो ये मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था वो लड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का क्या परिणाम था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के जो समाप्ति का परिणाम था वो विश्व का दो ध्रुवीय बनना था, है ना, दो ध्रुवों में विश्व क्या था, बढ़ गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत निम्न में से किस वर्ष हुआ? तो देखिए यार, दूसरे विश्व युद्ध का जो अंत हुआ था 1945 में हुआ था, 1939 से लेके 45 के बीच में ये विश्व युद्ध चला था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया, निम्न में से किस देश ने जापान के दो शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो बहुत आसान क्वेश्चन था, अमेरिका ने गिराया था, ये आपको सही उत्तर लगाना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से किस संस्था के हस्तक्षेप से 1965 के भारत पाक युद्ध का अंत हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपको संयुक्त राष्ट्र संघ आपको लगाना था, क्योंकि यहाँ पे संस्था का नाम पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, 1965 भारत पाक युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत है जम्मू कश्मीर, आप बताएंगे जम्मू कश्मीर से हुई थी, ठीक है। दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, 1965 की लड़ाई के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1965 के लड़ाई के समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ऑप्शन बी आपको यहाँ पे सही लगाना था। उसके बाद है ताशकंद समझौता, क्वेश्चन नंबर 59 है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, 1965 की लड़ाई से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो आर्थिक क्षेत्र आपको यहाँ पे ऑप्शन में लगाना था, यानी कि ये जो 60 जो प्री बोर्ड में आपके जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। सो गाइस, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे चैनल में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।